yüzden şimdi berberi çekiyoruz. Bitirir bitirmez oraya geçeceğiz inşallah bakalım. Assalamu alaikum viewers, latest reviews channel में खुश आमदीद। काफी अरसे के बाद आज के इस वीडियो में हम बुराक ओज़फ़ीद के इंटरव्यू के साथ हाजिर हैं। ना सिर्फ उनके इंटरव्यू की ट्रांसलेशन बल्कि उनका इजिप्ट विजिट भी दिखाया जाएगा। वीडियो काफी दिलचस्प होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। बुराक का ये इंटरव्यू उनके मिस्र जाने से एक दिन पहले लिया गया। Vallahi iyiyiz, çekimden çıktım. Tam siz de bizi yakaladınız. बुराक ओज़फ़ीद शूटिंग खत्म करने के बाद सूप पीने आए होते हैं, जहां पर उनका इंटरव्यू लिया जाता है और बताते हैं कि एक बहुत अच्छी चीज शूट हो रही है, यानी अपनी मूवी के बारे में बता रहे हैं। हेलो दोस्तों, गेलिन बर्बर, शुक्रिया ederiz, sağ olun. बुराक, हमने बहुत जल्दी में शूटिंग स्टार्ट की है। असल में गर्मियों का स्केड्यूल बहुत ही टाइट है। लुश उस्मान भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी मैं बार्बर मूवी की शूटिंग कर रहा हूँ और जब इसकी फिल्मिंग खत्म होगी मैं फौरन कुरलुश उस्मान के सेट पर जाऊंगा। Şimdi berberi çekiyoruz. Bitirir bitirmez oraya geçeceğiz inşallah bakalım. Ama iyi gidiyor. İyi gidiyor. Merak Burak muskurakar kehte hain ki bilkul main koi spoilers nahi dunga. Ise surprise rehne de. Tamam lazım. O yüzden açıkçası söylemeyeyim, sürpriz olsun. लेकिन हाँ, कुछ डिफरेंट होगा जो मैंने बहुत अरसे से मिस किया। सब कुछ अच्छा जा रहा है, टीम बहुत अच्छी है, सेट बहुत खूबसूरत है और ये बहुत ही ज्यादा मोटिवेटिंग है। गिदिया या ekip güzel set güzel जब बुराक से कुरलुश उस्मान के बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि इस दफा कुरलुश उस्मान में काफी हार्श सीन्स होंगे। बुसने değişik bir hikaye olacak। इस नए सीजन में स्टोरी बिल्कुल ही चेंज होगी। हम ये कह सकते हैं कि हमारी असल कहानी इस साल शुरू होगी। इस बार हम रियासत बनाने का पहला कदम उठाएंगे। devlet kurulma üzerine ilk giriş bu sene yapacağız। इसके बाद बुराक की फैमिली के बारे में सवाल किया जाता है, जो कि इस टाइम बोर्डरूम में छुट्टियां मना रहे हैं। लेकिन बुराक ओज़फ़ीद ने जो कि शूटिंग्स करनी थी, इसलिए वो इस्तांबुल वापस आ गए। onlar hala orada. Çok özledim ya açıkçası. वो अभी भी वहाँ है। अगर सच बताऊँ तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इसके बाद रिपोर्टर्स उनसे उनके बेटों के बारे में पूछते हैं। वसीम जो कि उनका दूसरा बेटा है, वो बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए दोनों में अभी कोई जेलसी नहीं है। इसके बाद बुराक ओज़फ़ीद के एक इशू के मुतालिक बात होती है। बुराक ने एक दफा अपने इंस्टा स्टोरी पे फेस टाइम की एक तस्वीर लगाई, मॉडल ने फोटोशूट करवा कर फेमस करा दिया, जो कि हाफ नेकेड मॉडल थी, जिसकी वजह से इशू बन गया। इस वजह से बुराक ओज़फ़ीद ने इंस्टा स्टोरी लगाई और कहा कि ऐसी फजूल बातें। उनसे ये सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैंने इस बारे में सब कुछ बता दिया था, अब मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसके बाद वो शुक्रिया कहकर बड़े अच्छे मूड के साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं। तो व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।